प्रोग्राम हाउ टू कंपेयरिंग टू स्ट्रिंग्स इन सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज के केस में जनरली किसी भी स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लाइब्रेरी फंक्शन अवेलेबल है कॉल्ड एज strcmp। लेकिन आपको एग्जाम्स में क्या पूछा गया था, कंपेयरिंग टू स्ट्रिंग विदाउट यूजिंग लाइब्रेरी फंक्शन। मीन्स इसके लिए जस्ट क्रिएट क्या करना है, अवर ऑन यूजर डिफाइंड फंक्शन। इस केस में जस्ट मैं फंक्शन नेम क्रिएट करूंगा एज अ कंपेयर। फंक्शन नेम क्या रखेंगे एज अ एग्जैक्टली कंपेयर। देन सम आर्ग्यूमेंट टाइप और रिटर्न टाइप, जस्ट इसके बिहेवियर को ऑब्जर्व करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ बिहेवियर ऑफ strcmp। अगर आपको एक बार strcmp का बिहेवियर क्लियर हो जाए देना आपके लिए यूजर डिफाइंड फंक्शंस के लॉजिक्स इजीली इंप्लीमेंट करना पॉसिबल। बिहेवियर के रिस्पेक्ट में बात करें, जब भी टू स्ट्रिंग्स को कंपेयर करोगे तो सी लैंग्वेज के अंदर कंपेरिजन के केस में टोटल 3 पॉसिबल रिलेशंस होंगे। क्लियर, 3 और 4 पॉसिबल रिलेशंस। फर्स्ट पॉसिबल रिलेशन क्या हो सकते हैं, हो सकता है दोनों स्ट्रिंग कैसे हैं। फर्स्ट केस, बोथ स्ट्रिंग मे बी सेम। अगर दोनों स्ट्रिंग एग्जैक्टली सेम है या दोनों स्ट्रिंग के अंदर एग्जैक्टली सेम कंटेंट्स अवेलेबल। वन मोर केस, यहाँ मैं कंपैरिजन परफॉर्म कर रहा हूँ केस सेंसिटिव मैनर्स। बोथ स्ट्रिंग सेम है देन उस केस में रिटर्न क्या हुआ, जस्ट 0। क्लियर, जस्ट बात कर रहा हूँ अबाउट strcmp फंक्शन। इफ बोथ स्ट्रिंग कंटेनिंग सेम कैरेक्टर्स देन इट विल रिटर्न 0। दूसरा पॉसिबल केस क्या है, स्ट्रिंग कंटेनिंग डिफरेंट कैरेक्टर्स। अगर दोनों स्ट्रिंग के अंदर डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं, मीन्स या तो दोनों स्ट्रिंग इक्वल होंगे या नॉट इक्वल। अगर इक्वल है देन उसके इसमें रिटर्न क्या करा दोगे, इमीडिएटली 0। दूसरा केस क्या है, इफ बोथ स्ट्रिंग्स आर नॉट इक्वल और स्ट्रिंग्स हैविंग डिफरेंट कैरेक्टर्स, देन उसके इसमें अगेन 2 पॉसिबल केस होंगे रिगार्डिंग फर्स्ट स्ट्रिंग। फर्स्ट स्ट्रिंग के रिगार्डिंग में केस क्या होगा, या तो फर्स्ट स्ट्रिंग सेकेंड से स्मॉल होगा या फिर फर्स्ट स्ट्रिंग सेकेंड से लार्ज होगा, आइदर स्मॉल और लार्ज। स्मॉल और लार्ज के रिस्पेक्ट में अगेन रिटर्न क्या हुआ इस केस में, अगर फर्स्ट स्ट्रिंग सेकेंड से छोटा है प्लस एक कंपेरिजन किसके रिस्पेक्ट में परफॉर्म होगा, आस्की वैल्यू ऑफ कैरेक्टर्स, मीन्स आस्की वैल्यूज के रिस्पेक्ट में। अगर फर्स्ट स्ट्रिंग के अंदर जैसे कोई नॉन मैचिंग कैरेक्टर फाउंड होता है, अगर इस नॉन मैचिंग कैरेक्टर का आस्की वैल्यू करेस्पॉन्डिंग सेकेंड एक स्ट्रिंग की आस्की वैल्यू से स्मॉल है, देन इस केस में रिटर्न क्या हुआ, नेगेटिव नंबर। दूसरा केस क्या है, अगर फर्स्ट स्ट्रिंग के अंदर कोई भी नॉन मैचिंग कैरेक्टर फाउंड होता है, वैसे नॉन मैचिंग कैरेक्टर का आस्की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन कंपेयर टू करेस्पॉन्डिंग कैरेक्टर ऑफ सेकेंड स्ट्रिंग, देन उस केस में रिटर्न क्या होगा, पॉजिटिव नंबर। क्लियर, इसे जस्ट रिप्रेजेंट क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव से नेगेटिव नंबर, मीन्स ये क्या शो करेगा, फर्स्ट स्ट्रिंग इज स्मॉलर कंपेयर टू सेकेंड स्ट्रिंग। पॉजिटिव नंबर जस्ट रिप्रेजेंट करेगा फर्स्ट स्ट्रिंग इज ग्रेटर देन कंपेयर टू सेकेंड स्ट्रिंग विद रिस्पेक्ट टू आस्की वैल्यू ऑफ मैचिंग और नॉन मैचिंग कैरेक्टर्स। इसके साथ टोटल पॉसिबल वैल्यू क्या रिटर्न करा, वो आइदर 0 और नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर। नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर के रिस्पेक्ट में जस्ट आप रिटर्न क्या कराओ, अगर आपके पास टू स्ट्रिंग्स हैं, अगर जैसे ही नॉन मैचिंग स्ट्रिंग फाउंड होते हैं, इसके इसमें रिटर्न क्या करा हुए, नॉन मैचिंग प्लेस के इंडेक्सेस का आस्की वैल्यू, मीन्स इन दोनों कैरेक्टर का जस्ट आस्की वैल्यूज का डिफरेंस रिटर्न होगा। इसके इसमें रिटर्न क्या करा हुए, डिफरेंस। अगर फर्स्ट स्ट्रिंग के केस में आस्की वैल्यू स्मॉल रहता है, इसके इसमें डिफरेंस कैसा आएगा, नेगेटिव नंबर। अगर फर्स्ट स्ट्रिंग के अंदर करेस्पॉन्डिंग कैरेक्टर का आस्की वैल्यू सेकंड स्ट्रिंग के कैरेक्टर से बड़ा है, देन उसके इसमें डिफरेंस कैसा आएगा, पॉजिटिव नंबर। मीन्स आपको डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए जस्ट लॉजिक क्या अप्लाई करना होगा, लाइक दैट। क्लियर, फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ आपको एग्जाम्पल शो कर रहा हूँ, इसके बेसिस पर आपके लिए बिहेवियर एग्जैक्टली समझना पॉसिबल है। फर्स्ट केस, फर्स्ट स्ट्रिंग के केस मैंने कंटेंट्स प्रोवाइड किया जाए ए बी सी, सेकेंड स्ट्रिंग क्या है, अगेन ए बी सी। इस केस में देखा जाए जब आप डायग्राम क्रिएट करोगे तो इस केस में डायग्राम्स के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्ट्रिंग के अंदर कैरेक्टर क्या फाउंड होंगे, ए बी सी प्लस लास्ट कैरेक्टर क्या रहेगा, नल। सेम है सेकेंड स्ट्रिंग के केस में लास्ट कैरेक्टर क्या है, ऑल्सो नल। तो इस केस में सबसे पहले 0 इंडेक्स वाला एलिमेंट मैच कराएं, तो 0 इंडेक्स में एलिमेंट कैसे हैं, सेम। देन सेम कंटेंट फॉर्म से कंपेरिजन कब तक परफॉर्म, जब तक सेम कंटेंट फाउंड हो, देन सेकंड नेक्स्ट इंडेक्स में सर्च करें, नेक्स्ट इंडेक्स क्या 1, अगेन क्या कंटेंट्स कैसे फाउंड होता है, सेम। देन नेक्स्ट इंडेक्स में सर्च करेंगे तो नेक्स्ट इंडेक्स में भी एलिमेंट कैसे हैं, सेम। देन अगेन नेक्स्ट इंडेक्स में सर्च कराओगे, नेक्स्ट इंडेक्स क्या, थर्ड, थर्ड अगेन इंडेक्स में, दोनों इंडेक्स में एलिमेंट कैसे हैं, सेम। लेकिन इसके समय आपको मीन सेम तो फाउंड हो, लेकिन अब आपको आगे कंपेरिजन कंटिन्यू करने की नीड है क्या, नहीं। जैसे ही नल कैरेक्टर फाउंड हो रहा है, कंटेंट सेम है, देन इसके समय इमीडिएटली रिटर्न क्या करा दोगे, 0। इस अगर सेम कंटेंट्स हैं और पोजिशन में, दोनों केस में क्या, नल, तो फर्स्ट केस में भी क्या है, नल, और सेकेंड केस में भी क्या है, ऑल्सो नल। इस केस में अल्टीमेटली रिटर्न क्या हो जाए, दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, 0।
रिटर्न क्या हुआ इस केस में, जीरो होना भी चाहिए, क्योंकि दोनों स्ट्रिंग के कंटेंट्स कैसे एग्जैक्टली सेम, तो इसके इस सेम लॉजिक से आपके लिए जीरो भी रिटर्न कराना पॉसिबल हो रहा है, सेम लॉजिक से निगेटिव नंबर भी रिटर्न कराना पॉसिबल हो, पॉजिटिव नंबर भी रिटर्न कराना पॉसिबल है। निगेटिव के रिस्पेक्ट में दूसरा एग्जाम्पल यूज कर रहा हूँ, जस्ट फर्स्ट वन स्ट्रिंग ए स्मॉल बी कैपिटल सी और लास्ट में अपेंड क्या हो जाएगा नल। सेकेंड स्ट्रिंग, सेकेंड स्ट्रिंग में मैंने सेम कंटेंट्स प्रोवाइड किए लेकिन इस केस में बी कैसा है कैपिटल, सारे के सारे कैरेक्टर्स कैसे हैं सेम। और केस इनसेंसिटिव मैनर में बात करें तो दोनों स्ट्रिंग कैसे हैं सेम, लेकिन कंपैरिजन कैसा परफॉर्म कराएं जस्ट इस केस में केस सेंसिटिव कंपैरिजन, बाद में केस इनसेंसिटिव कंपैरिजन परफॉर्म करें डिफरेंट फंक्शंस के थ्रू। तो अगेन जीरो इंडेक्स में बात करें तो जीरो इंडेक्स में एलिमेंट कैसे हैं सेम, देन वन इंडेक्स में बात करें वन इंडेक्स में एलिमेंट कैसे हैं सेम और डिफरेंट, डिफरेंट दिस वन इज अ समथिंग एस वन स्ट्रिंग, दिस इज द एस टू स्ट्रिंग। इस केस में जस्ट जैसे ही नॉन मैचिंग कैरेक्टर्स फाउंड होंगे तो हम इमीडिएटली इस केस में रिटर्न क्या कराओगे डिफरेंस। तो फर्स्ट केस में एस वन के अंदर नॉन मैचिंग कैरेक्टर का आस्क वैल्यू क्या बी, सॉरी कैरेक्टर क्या बी, और सेकेंड केस में क्या है कैपिटल बी। क्लियर, बी के स्मॉल बी का आस्क वैल्यू क्या जस्ट 98 एंड 66, इन दोनों का जस्ट डिफरेंस क्या रिटर्न होगा इस केस में 32। क्लियर, तो इस केस में रिटर्न वैल्यू क्या बनेगा आपको 32, फर्स्ट स्ट्रिंग सेकंड से बड़ा इसलिए पॉजिटिव नंबर रिटर्न हुआ, मीन्स कौन सा केस मैच हो रहा है इस केस में सेकंड वन। सेम एज अगर फर्स्ट केस में मैं प्रोवाइड क्या करता हूँ जस्ट लाइक दैट, फर्स्ट केस मैंने प्रोवाइड किया कि कैपिटल बी, सेकंड केस में स्मॉल बी, तो अगेन फर्स्ट केस तो मैच हो रहा है लेकिन सेकंड केस अगेन मैच हो रहा है क्या, नहीं। नेक्स्ट टाइम क्या रिटर्न हो जाएगा 66 माइनस 98, तो इस केस में डिफरेंस क्या आएगा जस्ट माइनस 32, तो ये रिप्रेजेंट क्या करेगा निगेटिव नंबर्स। वन मोर केस, अदर पॉसिबल केस क्या है लाइक दैट, फर्स्ट केस मैंने स्ट्रिंग प्रोवाइड किया है ए बी सी, सेकेंड केस मैंने स्ट्रिंग प्रोवाइड किया ए बी सी एंड डी ई लाइक दैट, देन लास्ट में अपेंड क्या हो जाएगा नल। इस केस में लास्ट में क्या अपेंड हो रहा है जस्ट नल। इस केस में जस्ट कंपेयर कराओगे तो फर्स्ट केस में कंपेरिजन कैसा है ट्रू, सेकेंड केस में कंपेरिजन कैसा है ट्रू, थर्ड केस में भी कंपेरिजन कैसा है ट्रू, लेकिन फोर्थ केस में कंपेरिजन कैसा है ट्रू और फॉल्स, फॉल्स। जैसे इस केस में नॉन मैचिंग कैरेक्टर्स फाउंड होते हैं तो अगेन आपको इस केस में रिटर्न क्या कराना है जस्ट डिफरेंस। तो फर्स्ट केस में स्ट्रिंग क्या है, फर्स्ट केस में नॉन मैचिंग कैरेक्टर क्या है नल, देन सेकेंड केस में नॉन मैचिंग कैरेक्टर क्या है इस केस में डी, और डी का आस्क वैल्यू क्या है, ए का आस्क वैल्यू क्या है 65, 66, 78, तो इस केस में क्या आएगा -68। इन दोनों मीन्स नल की बात करें तो नल मीन्स क्या है 0, 0, -68, डिफरेंस क्या रिटर्न हुआ इस केस में -68। मीन्स इस टाइप में डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबल केसेस अवेलेबल हैं। क्लियर, देन इसके पर्टिकुलर लॉजिक्स प्रोवाइड करने के लिए अगेन स्मॉलर कोड प्रोवाइड करना पॉसिबल है। मैं मीन्स इस केस में जस्ट प्रीसाइज फॉर्म में कोडिंग प्रोवाइड करूँ जिससे आपके नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स कैसे हों लेस, चेक इट। इसे अगर आप सेम प्रोग्राम किसी अदर प्लेस पर सर्च करो हो सकता है आपको नंबर ऑफ स्टेटमेंट ज़्यादा मिले, लेकिन इसको समझना आपके लिए थोड़ा सा ट्रिकी रहेगा क्योंकि जस्ट मैं लॉजिक से मिनिमाइज फॉर्म में प्रोवाइड कर रहा हूँ और ऑप्टिमाइज फॉर्म। इस पर्टिकुलर केस में अगेन फंक्शन क्रिएट करेंगे जो कंपेयर, रिटर्न टाइप क्या यूज करोगे इस फंक्शन से, रिटर्न क्या हुआ डिफरेंस ऑफ आस्की वैल्यू इंटीजर्स के फॉर्म में, तो इंटीजर नंबर का डिफरेंस भी किस फॉर्म में आएगा इंटीजर्स के फॉर्म में, इसलिए फंक्शन का रिटर्न टाइप यूज करेंगे इंटीजर टाइप मीन्स इंट। प्लस इनपुट्स में रिक्वायर्ड क्या होंगे इसके अंदर टू स्ट्रिंग्स, क्लियर टू स्ट्रिंग्स रिक्वायर्ड है, तो आप स्ट्रिंग के रिस्पेक्ट में पॉइंटर भी डिफाइन कर सकते हो और एरे डिक्लेरेशन प्रोवाइड करना पॉसिबल, लेकिन दोनों का मीनिंग कैसा रहेगा एग्जैक्टली सेम। यहाँ नेम यूज करना जस्ट ए कॉमा केयर ए केयर बी, इसका मीनिंग मैं आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूँ इन केस ऑफ हाउ टू सप्लाइंग एड्रेस टू अ फंक्शन और हाउ टू पासिंग एरे टू द फंक्शन, मीन्स आपको ऑलरेडी पता है इस केस में ये डिक्लेरेशन कन्वर्ट किस फॉर्म हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ पॉइंटर्स। ये फिजिकली आपको क्या लग रहा है एज अ एरे, लेकिन रियल में कन्वर्ट किस होगा पॉइंटर डिक्लेरेशन के फॉर्म में। सेम है बी का भी कन्वर्जन किस फॉर्म होगा लाइक दैट केयर स्टार बी, सारे मीनिंग्स ऑलरेडी मैंने आपको प्रोवाइड किए थे, फिर से एक बार थोड़ा सा रिवाइज किया था। नेक्स्ट वन, इस केस में जस्ट परफॉर्म क्या कराना टू स्ट्रिंग के इंडेक्सेस को मैनेज करोगे। क्लियर, लूप इटरेट कराएंगे तो लूप के रिस्पेक्ट में रिक्वायर्ड क्या होगा इंडेक्स वेरिएबल, और इंडेक्स वेरिएबल ओनली सिंगल वेरिएबल सफिशियंट है इंटीजर आई। नेक्स्ट वन यूज करेंगे इस केस में फोर लूप, मैं चाहूँ तो इसे सेम कोड को 7 या 8 लाइन में भी राइट डाउन करना पॉसिबल, मैं जस्ट 2 या 3 लाइन्स में प्रोवाइड कर रहा हूँ।
फर्स्ट केस में बिगिनिंग इंडेक्स क्या रहेगा, ऑलवेज जीरो, तो इनिशियलाइजेशन किससे असाइन परफॉर्म करा हुआ है, जीरो ऑनबोर्ड्स। देन इस केस में परफॉर्म क्या कराना है, इससे कंपैरिजन कब तक परफॉर्म कराना, जब तक दोनों स्ट्रिंग के अंदर गिवन इंडेक्स पर सेम कैरेक्टर्स फाउंड हो, जैसे ही डिफरेंट कैरेक्टर्स फाउंड होंगे देन आपको जस्ट कंपैरिजन स्टॉप करना है। तो इस केस में कंपैरिजन परफॉर्म कराने के लिए कंडीशन क्या अप्लाई कराएंगे, ए ऑफ आई इक्वल इक्वल्स टू बी ऑफ आई, ए ऑफ आई इक्वल इक्वल्स टू बी ऑफ आई, ए ऑफ आई मीन्स फर्स्ट स्ट्रिंग, बी ऑफ आई मीन्स सेकंड स्ट्रिंग, दोनों केस में सेम इंडेक्स मैंने जो है डिफरेंट इंडेक्स, इंडेक्स के प्लेस मैंने जस्ट पास क्या किया आई, दोनों केस में इंडेक्स कैसे हैं, सेम इंडेक्स, क्लियर। नेक्स्ट वन, इसके जस्ट बाद परफॉर्म क्या कराना आपको, इस केस में चेक करेंगे अगर आप केवल इतना कंडीशन प्रोवाइड करोगे देन इस कंडीशन के केसेस में अगर दोनों स्ट्रिंग सेम है देन कंडीशन वर्क नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल्स फर्स्ट केस मैंने स्ट्रिंग प्रोवाइड किया, पॉइंटर ए जिस स्ट्रिंग को पॉइंट कर रहा है उस स्ट्रिंग के केस मैंने टोटल फोर कैरेक्टर प्रोवाइड किए, मीन्स ये लॉजिक अभी नॉट इक्वल स्ट्रिंग के केस में, अगर दोनों स्ट्रिंग इक्वली देन ये सफिशियंट मीन्स परफेक्टली वर्क कर रहा है, लेकिन ये प्रॉब्लम किस केस में देगा, इन केस ऑफ इफ स्ट्रिंग कंटेनिंग सेम कंटेंट्स और सेम कैरेक्टर्स लाइक दैट ए बी और सी एंड फाइनली नल, एट द समथिंग 100 101 2 एंड 103। सेकेंड केस में एनोदर स्ट्रिंग में अगेन यूज कर रहा हूँ एग्जैक्टली सेम स्ट्रिंग, देन ऑब्जर्व करेंगे व्हाट इज द प्रॉब्लम विद गिवन लॉजिक्स, अगेन मैंने सेकंड स्ट्रिंग में भी कैरेक्टर्स के पास किए एग्जैक्टली सेम कैरेक्टर्स, तो इस केस में दोनों स्ट्रिंग कैसे हैं, सेम और डिफरेंट, बोथ स्ट्रिंग्स आर इक्वल, एड्रेस समथिंग 200 201 202 203 लाइक दैट, प्लस इस स्ट्रिंग का एड्रेस किस में असाइन किया, पॉइंटर वेरिएबल पी सॉरी बी, टू पॉइंटर्स हैं ए एंड बी, चेक इट। इस केस में फर्स्ट टाइम आई की बात करें तो फर्स्ट टाइम आई का वैल्यू क्या रहेगा, इनिशियलाइजेशन के अकॉर्डिंग आई वैल्यू इज जीरो, क्लियर। देन फर्स्ट टाइम कंपैरिजन किसका हो रहा है, ए ऑफ आई मीन्स ए ऑफ आई इक्वल इक्वल बी ऑफ आई, तो ए ऑफ आई के केस में आई के प्लेस पर आई का वैल्यू रिप्लेस कराएंगे और आई का वैल्यू क्या करेंटली जीरो, देन ए ऑफ जीरो के प्लेस पर रिप्लेस क्या करेंगे, ए जीरो का वैल्यू, मीन्स ए जीरो में क्या एलिमेंट है, सेम है जीरो, बी जीरो बी वन बी टू बी थ्री, ए जीरो में क्या फाउंड हो रहा है ए, बी जीरो में क्या फाउंड हो रहा है ए, तो इस केस में दोनों ही कैरेक्टर सेम है डिफरेंट है, एग्जैक्टली सेम कैरेक्टर मीन्स कंडीशन इज ट्रू, कंडीशन ट्रू है देन परफॉर्म क्या कराओगे, आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस के अकॉर्डिंग आई में इंक्रीमेंट हुआ तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी वन, अगेन फिर से इस लूप के अंदर आपको कोई भी लॉजिक्स प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं, मीन्स कंडीशन इटसेल्फ क्या है, लॉजिक्स फॉर कंपेयरिंग टू स्ट्रिंग्स क्लियरली, इसलिए इसका पर्टिकुलर बॉडी पार्ट कैसा है, एम्प्टी बॉडी। देन इसके बाद परफॉर्म क्या हुआ, आई प्लस प्लस, देन आई प्लस प्लस के बाद अगेन सेम केस, तो फिर से कंपेरिजन परफॉर्म करेंगे लेकिन करेंटली अब आई का वैल्यू क्या है, जीरो और वन, आई बिकम्स वन, तो नेक्स्ट टाइम क्या आएगा इस प्लेस पर वन, ए ऑफ वन इंडेक्स में क्या फंड हो रहा है, कैरेक्टर बी इक्वल इक्वल, बी ऑफ वन इंडेक्स में क्या फंड हो रहा है, कैरेक्टर बी, अगेन दोनों ही केसेस में सेम कैरेक्टर्स फाउंड हो रहे हैं, डिफरेंट कैरेक्टर्स एग्जैक्टली सेम कैरेक्टर्स मीन्स कंडीशन इज अगेन ट्रू, कंडीशन फिर से ट्रू है देन अगेन आई प्लस प्लस, आई बिकम्स टू, नेक्स्ट टाइम अगेन फिर से कंडीशन टेस्ट हुआ तो कंडीशन के अंदर आई के प्लेस पर क्या रिप्लेस करा हुआ, आई का करंट वैल्यू टू, ए ऑफ टू इक्वल इक्वल बी ऑफ टू, ए ऑफ टू का वैल्यू क्या है सी एंड बी ऑफ टू का भी वैल्यू क्या है सी, तो अगेन कंपेरिजन किसमें होगा, आस की वैल्यू ऑफ कैरेक्टर सी, अगेन दोनों कैरेक्टर की आस की वैल्यू सेम है देन कंडीशन अगेन ट्रू, कंडीशन ट्रू है फिर से परफॉर्म क्या हुआ, आई प्लस प्लस, नाउ वैल्यू ऑफ आई कम्स थ्री, क्लियर। देन आई का वैल्यू थ्री है देन इस केस में जस्ट नेक्स्ट टाइम अगेन कंडीशन टेस्ट होगा तो कंडीशन टेस्टिंग में जस्ट आई के प्लेस पर क्या रिप्लेस करेंगे, आई का वैल्यू थ्री, फर्स्ट केस में ए ऑफ थ्री थर्ड इंडेक्स में क्या स्टोर है नल, आज की वैल्यू क्या है इसका जीरो, बी ऑफ थ्री की बात करें तो बी ऑफ थ्री में भी क्या है ऑल्सो नल, इससे सेम और डिफरेंट, जीरो इक्वल इक्वल जीरो, कंडीशन इज ट्रू, कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो फिर से आई प्लस प्लस होगा तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी फोर, नेक्स्ट टाइम अभी तक लूप एग्जीक्यूट हो रहा है कोई भी कंडीशन फॉल्स नहीं हुआ, नेक्स्ट टाइम कंपेरिजन किसके लिए होगा, ए ऑफ फोर बी ऑफ फोर, चेक करो ए ऑफ फोर और बी ऑफ फोर
इंडेक्स तो अवेलेबल है लेकिन इस प्लेस पर वैल्यूज क्या है आपके लिए, सम अननोन वैल्यू या गार्बेज वैल्यू, लॉजिकली इंडेक्स क्या होगा दैट प्लेस। मीन्स अब इस केस में कौन सा कैरेक्टर रेफर हो रहा है, रिजर्व्ड प्लेस और अनरिजर्व्ड प्लेस, अनरिजर्व्ड मीन्स गार्बेज वैल्यू, गार्बेज को गार्बेज से कंपेयर करो, गार्बेज मीन्स अननोन वैल्यू, हो सकता है दोनों ही अननोन वैल्यू सेम हो सकता है डिफरेंट हो, लेकिन यहाँ आपको कंपेरिजन परफॉर्म करने की जरूरत थी क्या, नहीं, इस कंपेरिजन का भी स्टॉप करना है, टू केसेस में कंपेरिजन स्टॉप करना, या तो नॉन मैचिंग कैरेक्टर्स फाउंड होते हैं जैसे फर्स्ट केस में ही इस प्लेस पर क्या होता है स्मॉल ए और आई का वैल्यू क्या होता है करेस्पॉन्डिंगली जीरो, इस केस में फर्स्ट केस में क्या है कैपिटल ए, सेकेंड केस में क्या है स्मॉल ए, इस केस में इस पर्टिकुलर केस में दोनों ही कैरेक्टर डिफरेंट है, कंडीशन फॉल्स हो जाए कंट्रोल करेंगे आउटसाइड लूप, इस केस में जो वर्क करें लेकिन वर्क ये लॉजिक किस केस में वर्क नहीं करना है, इफ बोथ स्ट्रिंग कंटेनिंग सेम कैरेक्टर्स और स्ट्रिंग्स आर इक्वल, स्ट्रिंग इक्वल होने केस में क्या हो रहा है, जस्ट नल के केस में ये प्रोवाइड क्या करता है ट्रू, क्लियर। एंड मैं क्या चाहता हूँ अगर दोनों स्ट्रिंग के अंदर है, किसी भी स्ट्रिंग के अंदर नल फाउंडिंग से दोनों स्ट्रिंग सेम है और दोनों ही स्ट्रिंग के अंदर कंपेरिजन किसके लिए हो रहा है नल के लिए, अगर एक ही भी स्ट्रिंग में नल फाउंड होता है देन इस केस में एक और कंडीशन क्या अप्लाई करोगे एंड ए ऑफ आई नॉट इक्वल्स टू नल, सेम है कंडीशन किस लिए चेक करेंगे ऑल्सो फॉर बी ऑफ आई एंड बी ऑफ आई नॉट इक्वल्स टू नल, अगर इनमें से एक भी स्ट्रिंग नल हो जाता है तो उस केस में कंपेरिजन स्टॉप कराना है। सिमिलरली इस केस में आपको नल से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, जैसे ही ए ऑफ आई का वैल्यू नल होगा नल मीन्स जीरो, तो जीरो इटसेल्फ ही रिप्रेजेंट क्या करेगा ऑल्सो फॉल्स, तो आपको कंपेयर करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली क्या पास कर दिया इस केस में a ऑफ i सेम एज एंड b ऑफ i, देन दैट्स द कंडीशन। इसे फर्स्ट केस में इस पर्टिकुलर केस में बात करें तो फर्स्ट एंड के केस में फर्स्ट पार्ट से कंपेरिजन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है इक्वलिटीज के लिए, अगर स्ट्रिंग इक्वल में से पर्टिकुलर लॉजिक किस केस में करें इफ स्ट्रिंग्स आर नॉट इक्वल, लेकिन अगर स्ट्रिंग सेम है देन इस केस में टर्मिनेशन किससे हुआ दैट प्लेस, सेम स्ट्रिंग होंगे देन दोनों ही केस में नल कैरेक्टर सेम पोजिशन में फाउंड हुआ, नल कैरेक्टर फाउंड हुआ इमीडिएटली कंडीशन क्या हो जाएगा फॉल्स, मीन्स आपको आगे कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं। अगेन इंक्रीमेंट कितने से कराना है वन से आई प्लस प्लस, टर्मिनेट किससे कराओगे सेमी कॉलन। नेक्स्ट वन, जैसे ये लूप टर्मिनेट होगा चेक करो उस केस में आप नल के केस में टर्मिनेट हो रहा है कि नहीं हो रहा, जैसे ये आई का वैल्यू 3 हुआ था प्रीवियस केस, अगेन सेम केस एक बार फिर से टेस्ट कर दे कंडीशन, जैसे ही आई का वैल्यू 3 होगा 3 के केस में कंपेरिजन प्रोवाइड किया था इस गिवन कंडीशंस के अकॉर्डिंग, ए ऑफ आई, आई के प्लेस पर क्या रिप्लेस करोगे 3, इक्वल इक्वल बी ऑफ आई, आई के प्लेस पर क्या होगा 3, ए ऑफ आई मीन्स ए ऑफ 3 में क्या स्टोर है नल और बी ऑफ 3 में भी क्या है ऑल्सो नल, इसे फर्स्ट कंडीशन एंड के रिस्पेक्ट में कैसा है ट्रू और फॉल्स, फर्स्ट कंडीशन ट्रू है, फर्स्ट कंडीशन ट्रू होता है एंड टेस्ट क्या करेगा सेकेंड कंडीशन, क्लियर। सेकेंड कंडीशन में क्या रिप्लेस होगा ए ऑफ आई और ए ऑफ आई का वैल्यू क्या है नल, नल मीन्स जीरो, तो इस प्लेस पर रिप्लेस क्या हो जाएगा जीरो, मीन्स फर्स्ट कंडीशन तो ट्रू था सेकेंड कंडीशन फॉल्स था, सेकेंड कंडीशन फॉल्स था कंट्रोल कहाँ जाएगा आउटसाइड बॉडी ऑफ लूप, मीन्स इस केस में लूप टर्मिनेट हो रहा था, मीन्स दिस इज द बेटर कंडीशन फॉर कंपेयरिंग टू स्ट्रिंग्स, जैसे लूप के केस में कंडीशन फॉल्स होगा इमीडिएटली आपको कोई इफ एल्स कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली इससे रिटर्न क्या करा था डिफरेंस ऑफ ए ऑफ आई माइनस बी ऑफ आई, मीन्स ये लॉजिक सभी केस में वर्क करेगा इक्वल एंड नॉट इक्वल, चेक करते हैं पर्टिकुलर केस इक्वल के केस में वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इक्वल के केस में जस्ट जैसे इस केस में आई का वैल्यू 3 हुआ देन थर्ड इंडेक्स में क्या फाउंड हो रहा है नल, तो नल के केस में कंडीशन फॉल्स हो गया था चेक इट, इससे रिटर्न क्या हो जाएगा डिफरेंस ऑफ ए ऑफ आई, ए ऑफ आई क्या जस्ट ए ऑफ 3 माइनस बी ऑफ 3, तो करेंटली ए ऑफ 3 में क्या स्टोर है नल मीन्स जीरो, बी ऑफ 3 में क्या है ऑल्सो जीरो, इन दोनों में डिफरेंस क्या आएगा जीरो, तो इस केस में रिटर्न क्या हुआ वैल्यू है जीरो, होना भी चाहिए था क्योंकि दोनों स्ट्रिंग इस केस में कैसे हैं सेम और इक्वल, इक्वल के केस में रिटर्न क्या हो रहा है जीरो। एक और केस अप्लाई करते हैं इक्वल, देन अभी जस्ट मैंने इसको टेस्ट केस के रिस्पेक्ट में किया है, फिर बोथ स्ट्रिंग्स आर इक्वल, अगर दोनों स्ट्रिंग सेम है देन करेंटली रिटर्न क्या कराया इससे ट्रू मीन्स सॉरी जीरो, मीन्स यहाँ जीरो इटसेल्फ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बोथ स्ट्रिंग्स आर सेम। नेक्स्ट वन, अगर दोनों स्ट्रिंग डिफरेंट हैं लाइक दैट, फर्स्ट केस में क्या है कैरेक्टर ए बी
सी और लाइक दैट नेम ऑफ टू पर्सन्स समथिंग. फर्स्ट केस में नेम क्या है? राज. रिमेनिंग प्लेसेस पर क्या जाएगा? नल एंड नल. सेकेंड केस में क्या है? समथिंग राहुल. And one more case, null. इस केस में जस्ट कंपेरिजन परफॉर्म कराएंगे. जीरो इंडेक्स दिस द स्ट्रिंग पॉइंटेड बाई ए, स्ट्रिंग पॉइंटेड बाई बी. जीरो इंडेक्स, जीरो इंडेक्स. तो जीरो इंडेक्स में जो कंपेरिजन होगा ट्रू, इससे ट्रू मिल रहा है. प्लस इस प्लेस पर ए ऑफ आई का वैल्यू क्या पास हो जाएगा? आर. आर मीन्स इटसेल्फ क्या? जीरो. नॉन जीरो, नॉन जीरो मीन्स एंड का सेकेंड कंडीशन भी ट्रू है. एंड के लिए थर्ड कंडीशन टेस्ट करेंगे, बी ऑफ आई. बी ऑफ आई में भी क्या है? ऑल्सो आर. दोनों कंडीशन क्या है? मीन्स सारे सारे कंडीशन ट्रू, देन आई में इंक्रीमेंट होगा. देन आई की वैल्यू क्या हो जाएगी इस केस में? नेक्स्ट टाइम वन. वन के केस में वन इंडेक्स में कंपेरिजन करो, अगेन फर्स्ट कंडीशन भी ट्रू. देन इस प्लेस पर वन के प्लेस पर क्या रिप्लेस होगा? आस्क वैल्यू ऑफ ए. नॉन जीरो, नॉन जीरो मीन्स ट्रू. सेम इस प्लेस पर भी क्या आएगा? ऑल्सो ए, अगेन नॉन जीरो ट्रू. देन नेक्स्ट टाइम कंपेरिजन होगा आई प्लस प्लस होगा, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? टू. तो सेकंड इंडेक्स वाले एलिमेंट्स कंपेयर होंगे इस केस में. फर्स्ट केस में क्या है? जे. जे के केस में जे का कंपेरिजन परफॉर्म किससे हो रहा है? जे इक्वल इक्वल एच. कंडीशन ट्रू और फॉल्स? कंडीशन इज फॉल्स. फॉल्स है तो बाहर आओगे, तो यहाँ जस्ट रिटर्निंग क्या हो जाएगा? डिफरेंस ऑफ आस्की वैल्यू ऑफ जे एंड आस्की वैल्यू ऑफ एच. मीन्स आपको कोई एक्स्ट्रा कंडीशन अप्लाई करने की जरूरत नहीं है. लॉजिक सभी केसेस वर्क करेगा, आप किसी भी स्ट्रिंग के लिए टेस्ट कर सकते हो. मीन्स लेकिन इसका बिहेवियर कैसा हुआ? एग्जैक्टली सेम एज बिहेवियर ऑफ strcmp फंक्शंस. क्लियर? दिस इज द ऑल अबाउट कंपेरिजन. अगर आप इसको टेस्ट करना चाहते हो उसके लिए राइट क्या करोगे? मेन फंक्शन. तो मेन फंक्शन के केसेस में टू स्ट्रिंग्स क्रिएट करोगे, वॉइड मेन, देन नेक्स्ट वन. फर्स्ट केस में स्ट्रिंग एरे क्रिएट किया जाए ए विद मैक्सिमम साइज एज 100. सेकेंड केस में बी विद मैक्सिमम साइज एज 100. टू स्ट्रिंग्स. क्लियर? नेक्स्ट वन, इस केस में जस्ट परफॉर्म क्या कराएंगे? कॉलिंग. मीन सबसे पहले आप स्ट्रिंग को कीबोर्ड से रीड करा सकते हो. तो कीबोर्ड से रीड कराने के लिए यूज क्या करोगे? स्कैनएफ फंक्शन. प्रिंटएफ एंटर टू स्ट्रिंग यूजिंग स्कैनएफ. स्कैनएफ से स्ट्रिंग रीड करा हुआ यूजिंग परसेंटेज. परसेंटेज सिंपली सप्लाई कर सकते हो एड्रेस ऑफ ए और सिंपली ए, और एड्रेस ऑफ बी और सिंपली बी. दोनों की मीनिंग कैसे? सेम. नेक्स्ट टाइम कॉल क्या कर लोगे? एफ कंपेयर फंक्शन. तो कंपेयर फंक्शन में जस्ट सप्लाई क्या करेंगे इस केस में? ए कॉमा बी, दोनों स्ट्रिंग के एड्रेसेस. अगर दोनों स्ट्रिंग सेम है देन ये रिटर्न क्या करेगा? जीरो. लेकिन जीरो का मीनिंग एफ कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? फॉल्स. तो इसको कंपेयर कैसे करोगे? और इसका रिटर्न वैल्यू जीरो के इक्वल है. अगर इससे जीरो रिटर्न हो रहा है देन जीरो जीरो से कंपेयर होगा, देन रिजल्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ट्रू में. यानी इस केस में डिस्प्ले क्या करा लोगे? पुट्स टू स्ट्रिंग्स आर इक्वल. डिस्प्ले क्या करा लेंगे इस केस में? स्ट्रिंग्स आर इक्वल. अगर इससे कोई भी निगेटिव या पॉजिटिव नंबर आ रहा है देन उस केस में कंडीशन फॉल्स हो जाएगा जीरो के कंपेरिजन में. देन रिटर्न क्या करा हुए? स्ट्रिंग्स आर नॉट इक्वल. पुट्स और प्रिंट एफ नॉट इक्वल. इस टाइप से लॉजिकली टू स्ट्रिंग्स को कंपेयर करना पॉसिबल है. क्लियर? अगेन याद रखना, टू स्ट्रिंग को जब भी आप असाइनमेंट परफॉर्म कर, जब एक स्ट्रिंग के कंटेंट दूसरे स्ट्रिंग में आप कॉपी कर दो, जैसे इस केस में स्ट्रिंग क्या है? ए और बी. तो ए और बी या किसी भी स्ट्रिंग को डायरेक्टली असाइन करना पॉसिबल नहीं, क्योंकि इस केस में स्ट्रिंग इटसेल्फ क्या है? एरे नेम. और एरे नेम डायरेक्टली स्टार से असाइन करते हैं रिस्क क्या है? कंपाइल टाइम एरर. एल वैल्यू रिक्वायर्ड. इसलिए स्ट्रिंग को कॉपी करने के लिए ऑलवेज यूज क्या करते हैं? strcpy फंक्शन और मे बी यूजर डिफाइंड फंक्शन, जो कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में क्रिएट किया था. क्लियर?